ऋतिका पांडे प्रतीक्षा आयुष कुमार मुस्कान करनाल अंकित वेरी नाइस वेरी नाइस बहुत बढ़िया चलो एक काम करते हैं शुरू करने से पहले ना अच्छा मैं पहले एक बार देख लू यूट्यूब पर मैं प्रॉपरली लाइव हूं या नहीं एक बार जस्ट मी चेक यूट्यूब अरे यार एकाग्रता सीए एकाग्रता सीए एकाग्रता सीए हाँ एकाग्रता सीए बहुत बढ़िया तो यूट्यूब पर मैं लाइव हूं एक काम करते मैं ना बात करता हूं। शुरुआत में ही आज हम लोग बात कर लेते हैं राइट और उसके बाद फिर आगे चलते हैं सो so, uh, सबसे पहले लेट्स टॉक टू मोहम्मद सादिक। हेलो हेलो गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग मैं मोहम्मद uh, कैसे हो आप जी सर बढ़िया आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया कैसा लग रहा है आपको आप तो काफी दिन से मैं रोज ही देख रहा हूँ आपको आप क्लासेस अटेंड कर रहे हो जी सर स्टार्टिंग से हाँ पहले असर, दिन से जी सर मैं इंस्टाग्राम में बहुत पहले से ही देख रहा था सर ठीक अच्छा। है कब ये आएगा सर बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म है अच्छा भी लग रहा है सर पर चलो यार अच्छी बात है मैं अच्छे से पढ़ा पा रहा हूँ जी सर बहुत अच्छे से ठीक थैंक यू बहुत समझ... अच्छे से समझ में आ रहा है सर। समझ में सब आ रहा है आप प्रैक्टिस कर रहे हो लगातार होमवर्क कर रहे हो जी सर जी डेली डेली पर डे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मोहम्मद कहाँ से हुआ आप मैं उड़ीसा रावलकेला से हूँ उड़ीसा से चलो बहुत अच्छा लगा मोहम्मद सादिक आपसे बात करके और आ, 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 विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऐसे ही अच्छे से पढ़ाई करते रहना बस आ, यही करता है यार मेहनत करते रहना लगातार ठीक है चलो ऑल राइट थैंक यू मोहम्मद थैंक यू लेट्स टॉक टू मयंक नाउ गुड मॉर्निंग मयंक गुड मॉर्निंग सर कैसे हैं मयंक आप बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया हाउ डू यू मैनेज टू बी द फर्स्ट वन इन द क्लास एवरी टाइम हर बार सबसे पहले आप ही का हैंड uh, रेज होता है हर बार सबसे पहले आप ही का गुड मॉर्निंग आता है मस्त है मजा आ रहा है अच्छे अच्छे से चल रही है पढ़ाई कहाँ से हो आप मयंक सॉरी दिल्ली से हो

हाँ हाँ कोई नहीं यार वेट किया लेकिन अच्छा चल रहा है अच्छे से क्लासेस हो रही हैं तो ये अच्छी बात है ना चलो थैंक यू मयंक थैंक यू सो मच वन लास्ट कॉल विल टेक और उसके बाद फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे खुशी चटकवर गुड मॉर्निंग खुशी गुड मॉर्निंग सर कैसे हो खुशी आप सर मैं ठीक हूँ आप कैसे हो बहुत बढ़िया कहां से हो आप सर आई एम फ्रॉम नागपुर

Yes, sir. और मैं बहुत ये भी देख चलो बहुत बढ़िया थैंक यू मैं ये भी देख रहा हूँ आप डी और जीएसटी दोनों की क्लासेस में एकदम प्रॉपर अटेंडेंस आपकी चल रही है बेस्ट बस प्रोपरली रिविजन करते रहना टाइमली ठीक है ऑल राइट खुशी टेक केयर बब बाय चलिए सर बाकी लोगों से मैं धीरे धीरे बातें करता रहूंगा गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू सुमित कह रहे हैं आज मेरा ऐप में पहला दिन है इससे पहले YouTube पे अटेंड किया था वेरी नाइस अभिषेक कुमार कह रहे हैं सर प्लीज मेरा भी कॉल एक्सेप्ट uh, uh, कर लीजिए अभिषेक मैं नेक्स्ट टाइम कॉल पे बात करूंगा ना मैं पक्का आपसे बात करूंगा ठीक है अभी हम लोग कर लेते हैं लाल चंदानी मैं भी पहले से कर रही हूँ सर हां जी खुशी जी मैं आ, 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 मैं देख रहा हूँ आपको लेकिन बस अभी क्या हो गया ना पांच मिनट हो चुके हैं तो लेट्स नॉट टॉक मोर एंड लेट्स स्टार्ट यू नो द क्लासेस ठीक है अभी हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं नोट्स प्रिंट नहीं होंगे प्रगति नोट्स uh, नोट्स uh, सिर्फ आपको ऑनलाइन विजिबिलिटी के लिए हैं नोट्स प्रिंट नहीं होंगे ठीक है नोट्स uh, एनक्रिप्टेड होते हैं नहीं तो क्या होता है कि पहले भी uh, मेरे कई सारे नोट्स जो है वो प्रिंट होके बाकी सारे टीचर्स जो है उसको अपना अपना नाम लगाकर उन नोट्स को सेल करने लगते हैं तो uh, बहुत दिक्कत हो जाती है ये खुशी लाल चलता नहीं कह रही है चलिए सर शुरुआत शुरू करते हैं हां जी शुरुआत से है रंजीत जी बहुत बढ़िया जहरा सुना सारा वेरी नाइस चलो सो लेट्स गेट स्टार्टेड मैं जरा पानी पी लेता हूं जितने भी लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं आप लोग प्लीज वीडियो को यूट्यूब पे लाइक कर दीजिए लेट्स स्टार्ट जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर नए हैं सो दिस इज मी माय नेम इज निशांत कुमार एम द को फाउंडर वेग्रता एजूसर्स एम दी ऑथर ऑफ वेरियस बुक्स मैं आपको दिखा देता हूँ नवंबर ट्वेंटी थ्री के लिए मेरी ये जो दो बुस है ये आ चुकी है ठीक है दिस इज फॉर इनकम टैक्स कॉम्प्रीहेंसिव सेल्स स्टडी बुक इसमें टेक्स्ट थियोरी क्वेश्चन वगैरह सब कुछ है और ये जीएससी की बुक है इसमें भी टेक्स थियोरी क्वेश्चन वगैरह सब कुछ है तो ये आप लोग परचेस कर सकते हो फ्रॉम माई वेबसाइट डब्लू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट कुमार निशांत डॉट कॉम आइव डॉट थाउजेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन द लास्ट सेवन ईयर्स आई एव बीन एन एजुकेटेड एट एन अकेडमी विच इन ऑफ द लीडिंग एड टेक्स ऑफ द कंट्री दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल सी ए निशांत कुमार सीए निशांत कुमार पे मैं लगातार आपको इन्फॉर्मेशनल और मोटिवेशन रील्स के थ्रू मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं तो आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हो आई टी मैथ्स टू सी ए फाउंडेशन स्टूडेंट्स एंड टैक्स टू सी ए इंटरमीडिएट स्टूडेंट तो आप ये क्लासेस भी यहां पर अटेंड कर सकते हो राइट लेट्स गेट स्टार्टेड हम कर रहे थे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कल हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था वो था प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट राइट और उसी से रिलेटेड हम लोगों ने काफी सारे कल क्वेश्चन किए थे तो मैं एक बार आपको रिकॉल करवा देता हूँ वो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट था क्या और उसके बाद फिर हम लोग उससे रिलेटेड आगे बात करते रहेंगे ठीक है तो एक सेकेंड एक एक एक, हाँ जी तो मैं आप लोगों को फटाफट से बता देता हूँ कि वो कॉन्सेप्ट था क्या राइट right? तो आ, होता क्या है एक सेकेंड बस देख लिया जाए हाँ अच्छा ऑडियो वगैरह सही है ना कल जो ऐप पे ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही थी जीएससी वाले लेक्चर में अभी ऑडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है है ना ऑडियो ऑडियो एकदम ठीक है वृष्टि हाँ हार्दिक मैं चैप्टर के एंड में कंबाइंड पीडीएफ दे दूंगा डोंट वरी अबाउट इट ठीक है दैट्स अ ग्रेट आइडिया मेरे दिमाग में भी था बट अब आपने कह दिया मैं दूंगा पक्का दूंगा ठीक है मैं चैप्टर के एंड में कंबाइंड पीडीएफ दूंगा मेरे ख्याल से मैं मंडे को ही आपको एक कंबाइंड पीडीएफ दे दूंगा मंडे तक चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाएगा लेकिन मैं मंडे को ही आपको कंबाइंड पीडीएफ दे दूंगा वो टुवर्ड्स दी एंड वाले कुछ क्वेश्चन है उनके सोल्यूशन मुझे चेंज करके डालने ठीक है बस उसकी वजह से थोड़ा सा अटा, वो, अटका हुआ है लेकिन मैं आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का दे दूंगा मत हो ठीक है आओ, तो बेसिकली उससे पहले प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का क्या कॉन्सेप्ट होता है तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में यह होता है कि अगर आपका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया तो जिस साल आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ जिस साल आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उससे जस्ट एक साल पहले वाले

लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ठीक है मिस्टर लोन हैजेक बैंक फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ऑन फर्स्ट डिसेंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी आप लोगों को दिखाई दे रहा है सब कुछ मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है मैं एक बार बस चेक कर लू यहां पर सब दिखाई दे रहा है यूट्यूब पर सब दिखाई दे रहा है यूट्यूब पर, पर भी दिखाई दे रहा है और यहां पर

तो यहां पर कब यह लोन लिया था यह लोन लिया था फर्स्ट डिसंबर 2020 को कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ टेंथ डिसंबर 2023 को यानी प्रीवियस ईयर 22-23 में प्रीवियस ईयर 22-23 में कंस्ट्रक्शन आपका कंप्लीट हुआ अगर प्रीवियस ईयर 22-23 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ और आपने लोन लिया था कब प्रीवियसर नाइनटीन ट्वेंटी में क्योंकि सॉरी ट्वेंटी ट्वेंटी वन में लिया था तो वन ट्वेंटी टू दैट्स इट बस यही दो है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड ठीक है यही दो साल है आपके प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री भी तो आएगा क्योंकि ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर में कंस्ट्रक्शन आपका टेंथ डिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री यानी ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर में कंस्ट्रक्शन आपका कंप्लीट हुआ है तो इन तीन सालों में जो भी आपने इंटरेस्ट पे किया होगा वो आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहलाएगा ठीक है तो अब अगर हम लोग ये वाला देखें तो यहां पर क्या फर्स्ट दिसंबर 2020 को 42 लाख रुपीज का लोन लिया पहला रीपेमेंट हुआ फर्स्ट अप्रैल 2021 को यानी 2021 में इस साल कितना इंटरेस्ट लगेगा सेवन परसेंट ऑफ सेवन परसेंट ऑफ फोर्टी टू लाख रुपीज इनटू फोर बाई ट्वेल्व एक काम करते हैं इसको प्रॉपर में लिखकर आप लोगों को बता देता हूं ठीक है इसको ना मैं आप लोगों को प्रॉपरली लिखकर ही करवा देता हूं क्योंकि फिर मैं पहले आपको समझाऊं उसके बाद लिखवाऊं तो उसमें अननेसेसरीली टाइम वेस्ट होगा कल हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी ली थी जिसमें मैंने आप लोगों को पहले पूरा समझाया था और उसके बाद लिखवाया था तो इस वाले क्वेश्चन में मैं डायरेक्टली आप लोगों को लिखवा रहा हूं ठीक है तो यहां पर आप लोग लिखोगे क्वेश्चन नंबर एट और यहां पर लिखोगे कैलक्युलेशन ऑफ इंटरेस्ट टू बी अलाउड इन प्रीवियस ईयर 23, 24 यहां करेंगे पर्टिकुलर्स यहां करेंगे रुपए आप सबसे पहले लिखोगे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ठीक फिर आपने लिखा सेवन परसेंट ऑफ फोर्टी टू लाख रुपीज फॉर फोर मंथ्स यही आया टी टू लाख रुपीज के लिए नाइन्टी एट थाउजेंड रुपीज ही आपका आ गया ठीक उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है कि इन्होंने फर्स्ट अप्रैल 2021 को यानी प्रीवियस ईयर 21-22 में अगर हम लोग बात करें तो 21-22 की एक मैं टाइमलाइन बनाता हूं फर्स्ट अप्रैल 21, 31 मार्च 22. तो फर्स्ट अप्रैल 2021 को 7 लाख रुपीज का रीपेमेंट कर दिया यानी 42 लाख में से 7 लाख तो गए ठीक है 42 में से 7 तो गए 42 में से 7 गए बचे कितने 35 लाख रुपीज गए और फिर फर्स्ट अक्टूबर 2021 को फोर लाख रुपीज का और पेमेंट कर दिया ये भी इक्कीस बाईस के अंदर आ रहा है ठीक है तो यहां पर आया आपका फर्स्ट अक्टूबर ट्वेंटी वन राइट यहां से यहां तक थर्टी फाइव लाख रुपीज का लोन था और फिर यहां पर कितना पे किया फोर लाख रुपीज और पे कर दिया तो यहां से यहां तक थर्टी वन लाख रुपए का लोन हो गया है ठीक है तो अब यहां पर आप लिखोगे सेवन परसेंट ऑफ थर्टी फाइव लाख रुपीज इंटू सिक्स बाई ट्वेल्व प्लस प्लस सेवन परसेंट ऑफ थर्टी वन लाख रुपीज इंटू सिक्स बाई ट्वेल्व ठीक यह आएगा आपका थर्टी फाइव लाख रुपीज का सेवन परसेंट इंटू सिक्स बाई ट्वेल्व इज इक्वल टू एम प्लस थर्टी वन लाख रुपीज का

फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी टू थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी थ्री ठीक है अभी यहां से फर्स्ट फेब्रवरी को रीपेमेंट हुआ है उसके बाद फर्स्ट जुलाई ट्वेंटी थ्री को हुआ है वो तो तेईस चौबीस में चला गया ठीक है तो फर्स्ट फेब्रवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री यहां पर कहीं आएगा फर्स्ट फेब्रवरी ट्वेंटी थ्री यहां से लेकर यहां तक थर्टी वन लाख रुपीज का लोन है ठीक है यहां से लेकर यहां तक थर्टी वन लाख रुपीज का लोन है इसमें से फाइव लाख रुपीज जाता है थर्टी वन में से अगर फाइव जाता है तो कितना बचता है बचता है ट्वेंटी सिक्स लाख यहां से यहां तक ट्वेंटी ,00 का लोन है ठीक है तो फर्स्ट अप्रैल से लेकर फर्स्ट फेब्री तक कितने महीने हो गए लास्ट के फेब्रवरी मार्च दो महीने छोड़ो दस महीने दस महीने के लिए थर्टी वन लाख रुपीज का लोन है और दो महीने के लिए ट्वेंटी सिक्स लाख रुपीज का लोन है तो आ जाओ इसको लिखते हैं यहां पर सेवन परसेंट ऑफ थर्टी वन ,00 लाख रुपीज into ten by twelve plus seven percent of twenty-six na ha? seven percent of twenty-six lakh rupees into two by twelve. Thick thirty-one lakh rupees into zero point zero seven into ten by twelve is equal to M plus here twenty-six lakh rupees into जीरो पॉइंट जीरो सेवन 12 टू equal to इज इक्वल टू 211167 प्लस एमआरसीवन टू वन वन सिक्स टू 98000 थर्टी वन थाउजेंड प्लस टू वन 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 सिक्स सेवन कितना आ गया फाइव फोर्टी वन सिक्स सेवन फाइव फोर्टी वन सिक्स सेवन ठीक है ये आ गया फाइव फोर्टी वन सिक्स सेवन अब यहां पर आप लोग लिखोगे प्री कंस्ट्रक्शन Interest to be allowed in five equal annual installments. So five forty one sixty seven divided by five. Five forty one sixty seven divided by five apnik. So hea, 108, one zero eight zero thirty three. 108033 अब आप यहां पर करोगे एड इंटरेस्ट फॉर प्रीवियस ईयर ट्वेंटी थ्री ठीक है अब आप प्रीवियस ईयर ट्वेंटी थ्री देखो 26 लाख रुपए का लोन बचा हुआ है आपका 26 लाख रुपीस का लोन आपका बचा हुआ है ठीक है तो ये अगर आप इसको इस तरह से देखते हो फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी फोर ठीक है फर्स्ट जुलाई को रीपेमेंट हुआ है फर्स्ट जुलाई ट्वेंटी थ्री यानी यहां से लेकर यहां तक ट्वेंटी सिक्स लाख रुपीज का लोन है और उसके बाद यहां से लेकर यहां तक सेवन लाख रुपीज इसमें से चला गया तो बचता है आपका नाइनटीन लाख नाइनटीन लाख रुपीज का लोन आपका ठीक है 19 लाख रुपीज का लोन आपका यहां पर है तो तीन महीने के लिए छब्बीस लाख और बचे हुए महीनों के लिए नौ महीनों के लिए नाइनटीन लाख ठीक है तो ये आपका आ गया सेवन परसेंट ऑफ सेवन परसेंट ऑफ ट्वेंटी सिक्स लाख रुपीज इंटू थ्री बाई ट्वेल्व प्लस सेवन परसेंट ऑफ नाइनटीन लाख रुपीज इंटू नाइन बाई ट्वेल्व इंटू नाइन बाई ट्वेल्व ठीक है इंटू नाइन बाई ट्वेल्व तो ये आपका क्या आया ट्वेंटी सिक्स लैक्स इंटू जीरो पॉइंट जीरो सेवन इंटू थ्री बाई ट्वेल्व इज इक्वल टू एम प्लस नाइनटीन लैक्स इंटू जीरो पॉइंट जीरो सेवन इंटू नाइन बाई ट्वेल्व इज इक्वल टू एम प्लस एमआरसी वन फोर्टी फाइव टू फिफ्टी तो टोटल कितना मिलेगा वन फॉर्टी फाइव टू फिफ्टी प्लस वन जीरो एट जीरो थर्टी थ्री या टू फिफ्टी थ्री टू एटी थ्री टू फिफ्टी थ्री टू एटी थ्री ठीक है या आ गया इंटरेस्ट अलाउड थ्री ट्वेंटी फोर दिस इज दब समझ में आ गई बोलो नि वेरी नाइस दृष्टि सुशेन श्रबानी आर्यन सुशेन कृष्णकांत खुशी चटकवार कृष्णकांत यादव सुशेन राइट सर थैंक यू सुशेन सुशेन कह रहे हाँ सर बिल्कुल सही किया आपने धन्यवाद जी सुशेन जी ठीक है खुशी लाल चंदानी निश्चेन फर एवर सत्यम अग्रहरी राधिका जैन हार्दिक श्रीवास्तव सर्विका रंजीत खुशी चटकवार पृष्टि चटकवारी बहुत बढ़िया चलो ठीक लेट्स गेट स्टार्टेड और अभी ये वाला जो क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर नाइन है वो आप लोगों ने अपने आप से कर लिया होगा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लेट्स सी। तो हैज वन हाउस प्रॉपर्टी एट एटो टाउन इन प्रयागराज ही स्टेज विद फैमिली इन दिस हाउस द रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी इन द नेबरहुड इज ट्वेंटी फाइव पर मंथ तो ये तो फेयर रेंट हो गया आपका एनुअल तो तो करना होगा ठीक है लेकिन पता है कि ये खुद ही रह रही स्टेज फैमिली इन दिस हाउस तो अगर वो खुद रह रहा है मतलब वो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है तो अगर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी होती है ना तो नेट एनुअल वैल्यू आपकी नि मानी जाती है ठीक है तो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी आप लोग यहां पर लिख सकते हो क्वेश्चन नंबर नाइन में आप लोग यहां पर लिख लो एन ए वी फॉर A self occupied property is always taken to be.

ठीक है तो अगर जीएवी होता कि अगर जीएवी को निल माना जाता तो हम कह सकते थे कि हाँ टैक्सेस का मिल गया और नहीं के के केस में जो होती है वो हमेशा नील मानी जाती है और फिर नेट से नेट एनुअल वैल्यू में से 24 के दो डिडक्शन किए जाते हैं ट्वेंटी ए वाला होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन स्टैंडर्ड डिशन ही आएगा

हाउस प्रॉपर्टी एट टाउन इन प्रयागराज हिस्टेज फैमिली इन दिस हाउस रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी इन नेबरहड इज ट्वेंटी फाइव थाउजें रुपीज पर मंथ तो फेयर रेंट आ गया ट्वेंटी थाउजेंड इंट ट्वेल म्यूनिपल वैलुएशन ट्वेंटी थ्री थाउजेंड रुपीज पर म्यूनिसपल वैल्युएशन so, आ गई ट्वेंटी थ्री इंटू ट्वेल्ल ठीक है लेकिन क्योंकि ये अपने घर में खुद रह रहा है तो इसको इससे कोई मतलब नहीं है टैक्सेस पेड इज एट थाउजेंड रुपीज कोई मतलब नहीं है क्यों क्योंकि ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से माइनस किए जाते हैं म्यूनसिपल टैक्सेस और क्योंकि हम नेट एनुअल वैल्यू को ही मान रहे हैं इसलिए एट थाउजेंड रुपीज पेड का बेनिफिट नहीं मिलेगा कोई डिडक्शन इसमें आपको नहीं मिलेगा दाउस वॉज कंस्ट्रक्ट इन ट्वेंटी विद लोन ऑफ ट्वेंटी लाख रुपीज टेकन फ्रम SBI हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड ठीक है तो अब हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड से बीस लाख रुपए का लोन 2018 में लिया था ठीक है

the accumulated interest up to 31st March 19 is 1 lakh 50 thousand rupees. So this is the interest on loan pre-construction period का interest on loan है. देखो, अभी कोई कुछ लिखना नहीं, समझना बस चीज़ को. 2018 में 18-19 में loan लिया. 2019-20 में construction complete हुआ. अगर 2019-20 में construction complete हुआ, तो यही तो pre-construction period होगा.

तो 1920 में 1920 में 30000 ठीक है 2021 में 30000 2122 में 30000 2223 में 30000 और 2324 में भी 30000 ठीक है तो हमारा वाला कौन सा साल है हमारा वाला तो ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर है क्या हमें भी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट का थोड़ा सा पोर्शन मिलेगा हाँ मिलेगा हाँ मिलेगा ठीक ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर पेड टू लाख एट थाउजेंड रुपीज इंक्लूडेड 1 लाख 74000 फोर एज इंटरेस्ट तो प्रीवियस ईयर 23 चौबीस में यानी पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड में भी कितना इंटरेस्ट पे किया गया वन लाख सेवेंटी फोर का इंटरेस्ट पे किया गया लाख सेवेंटी फोर थाउजेंड रुपीज का इंटरेस्ट पे किया गया तो प्रीवियस ईयर चौबीस में टोटल कितना इंटरेस्ट का रिडक्शन आपको मिल रिडक्शन कितना, कितना, कितना प्लस थाउजेंड टोटल आपको दो लाख चार हजार रुपए का डिडक्शन मिलेगा टोटल आपको दो लाख चार हजार रुपए का रिडक्शन मिलेगा ठीक है प्रीवियस ईयर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर में आपको टोटल टू लाख फोर थाउजेंड रुपीज का रिडक्शन मिलेगा लेकिन क्योंकि ये सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है तो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ऑन लोन टू लाख रुपीज तक का मैक्सिमम मिल सकता है तो ये जो टू लाख फोर थाउजेंड रुपीज है दिस विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू टू लाख रुपीज दिस विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू टू लाख रुपीज ठीक है अब सुनो अगर मान लो ये

ठीक है मैं क्योंकि कंबाइंड पीडीएफ तो अपलोड करूंगा ही तो कंबाइंड पीडीएफ में इसमें मैं लिख दूंगा कि अज्यूमिंग दैट हैज डिसाइडेड टू शिफ्ट आउट ऑफ डिफॉल्ट स्कीम मैं एक काम करता हूं मैं यहां पर लिख भी देता हूं ठीक है आप चिंता ना करो मैं अपने नोट्स में हाथ की हाथ अपडेट कर देता हूं जिससे जब मैं कंबाइंड पीडीएफ अपलोड करूंगा ना तो कंबाइंड पीडीएफ में वो लिखकर आ जाएगा तो इसमें यही आ जाएगा दिस इज वॉट दिस इज क्वेश्चन नंबर नाइन है ना दिस इज क्वेश्चन नंबर नाइन गिव मी वन मोमेंट तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं assuming that nisten has decided to shift out of the default scheme ठीक है तो so, assuming that nisten has decided to shift out of the default scheme अब शिफ्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट स्कीम का मतलब क्या हो गया शिफ्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट स्कीम का मतलब हो गया ओल्ड स्कीम के बारे में बात हो रही है ठीक है assuming that nisten has decided to shift out of the default scheme.

ठीक है पहले टाउन में ऑफिस भी था आ, हम लोग शिफ्ट बहुत पहले हो गए थे लेकिन उसके बाद ऑफिस था एक पॉइंट था कि अप टू एसओपी करते हैं ना हाँ ठीक है आर्यन अप टू एसओपी एग्जेम का मतलब क्या है अप टू एसओपीम्ट का यही मतलब है कि यहां पर आपको लॉस मिल गया ना भाई एग्जेम्ट का मतलब यही हो गया कि उसको चलो मैं आपको बता देता हूं आर्यन एग्जेंट का मतलब क्या होता है का मतलब है है, कि उसकी उसकी हम नहीं मानेंगे। तो तो पर अगर ना ना? मानकर उसका माना जा रहा तब ये फायदा हो गया आपका फायदा हो गया ना कैसे आपका फायदा हुआ? सपोज आपको किसी और हेड में कोई इनकम ठीक है सपोज आपकी तीन लाख रुपए की कहीं से और इनकम आती है ठीक है सपोज आपकी किसी और हेड से तीन लाख रुपए की इनकम आती है और यहां पर आपको दो लाख रुपए का लॉस है यहां आपको दो लाख रुपए का लॉस है तो आप उस हेड की इनकम से इस दो लाख रुपए के लॉस को सेट ऑफ कर सकते हो और अब आपकी इनकम एक ही लाख रुपए की रहेगी अब आपकी इनकम एक लाख रुपए की ही रहेगी ठीक है और अब आपकी इनकम एक लाख रुपए की रहेगी तो आपको कम टैक्स पे करना पड़ेगा तो एक्जेम्ट का मतलब यही होता है एग्जेम का मतलब यहां पर यह हो गया कि हम उसको सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी की तरह से ट्रीट कर लेंगे अब अगर आपने इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है तो आप उसका रिडक्शन क्लेम करो ना आपका लॉस आ जाएगा तो आपके लिए तो फायदा है क्योंकि लॉस अगर आया तो फिर आपको टैक्स कम पे करना पड़ेगा गेटिंग दिस पॉइंट बात समझ में आई ठीक है अनुष्का कह रही है इंटरेस्ट ऑन लोन का टेबल बता दो एक बार वो आप कल वाले सेशन में देख लो ठीक है कल हम लोगों ने पूरा सेशन इसी चीज पर लिया है इंटरेस्ट ऑन लोन वाला ठीक है इंटरेस्ट ऑन लोन वाला कल कल हम लोगों ने पूरा टाइम ही ये वाला सेशन लिया है तो फिर आप एक बार कल वाला सेशन देख लो रिवाइज कर लो और रिवाइज करके अगर आओगे तो अच्छा रहेगा ठीक है अनुष्का जी आर्यन आपका डाउट क्लियर हुआ चलो बहुत बढ़िया आर्यन का डाउट क्लियर हो गया गोरिट कल से ही डाउट था नाउ क्लियर हाँ ओके फाइन ठीक है ठीक है तो self -occupied property में ये होता है कि कि अगर अगर आपने माना उसको तो अभी अभी हम लोग आगे चलकर देखेंगे कि अगर आपके दो self -occupied property से ज़्यादा कोई self -occupied property है तो फिर कैसे होगा उसको अभी हम लोग आगे चलकर देखेंगे उसकी चिंता मत ठीक है करेंगे आगे चलो अब हम लोग बात करते हैं एक और बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट एंड दैट इज दीजे Is there a vacancy? बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है वेकेंसी का <coughs> क्या होता है ध्यान देना बहुत ध्यान देना जो हमारा वेकेंसी का कॉन्सेप्ट है वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और वो कैसे आया ठीक है वो अगेन आया ये देखने के लिए कि क्या आपके मन में चोरी है या नहीं इट्स वेरी लॉजिकल इट्स वेरी वेरी लॉजिकल ठीक है एक्सट्रीमली लॉजिकल मैं आपको बताऊंगा आपको बहुत मजा आएगा तो बहुत आराम से सुनना वैकेंसी का मतलब क्या है कि सपोज 12 महीने में से 12 महीने में से आपका मकान तीन महीने के लिए वेकेंट पड़ा रहा वेकेंट पड़ा रहा मतलब खाली पड़ा रहा ठीक है खाली पड़ा रहा मतलब आप किराएदार ढूंढते रहे और आपको किराएदार मिलकर नहीं दिया ठीक है आप किराएदार ढूंढते रहे आपको किराएदार मिल नहीं दिया ठीक है अच्छा अगर इन तीन महीनों में जब आपको किराएदार नहीं मिल रहा था और आपने खुद जाकर उसमें रहना शुरू कर दिया तब क्या वेकेंसी हुई नहीं तो कोई वेकेंसी नहीं हुई ठीक है एकदम सीधी सी बात है मेरा नोएडा वाला मकान खाली पड़ा हुआ है ठीक अपने नोएडा वाले मकान को मैंने किराए पर दिया है सपोज अपने नोएडा वाले मकान को मैंने सपोज किराए पर दिया हुआ है ठीक है अब मान लो किराएदार छोड़कर चला गया अब अगर मैं खुद जाकर नोएडा वाले मकान में रहने लग जाऊं तब तो वेकेंसी नहीं हुई ना लेकिन मैं किराया किराएदार ढूंढे जा रहा हूं ढूंढे जा रहा हूं मेरे को मिलकर ही नहीं दे रहा है तब तो अब तो वेकेंसी हो गई तब तो वेकेंसी आपकी मान ली जाएगी ठीक है तो वेकेंसी का मतलब है कि किराएदार आपका मकान छोड़कर जा चुका है और अब आपको किराएदार मिल नहीं रहा है मकान आपका खाली पड़ा है दिस इज वेरी सिंपल प्लेन इंग्लिश लैंग्वेज के मकान आपका खाली पड़ा है मकान आपका खाली पड़ा है ठीक अब सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से ठीक अगर मान लो आपका रेंट अगर मान लो आपका रेंट चलो अभी काम करते हैं मैं क्वेश्चन के थ्रू ही समझा देता हूं मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं एक्सपेक्टेड रेंट है थ्री लाख ,00 रुपीज रेंट पर मंथ है थर्टी थाउजेंड रुपीज वेकेंसी है थ्री मंथ्स की फाइंड द ग्रॉस एनुअल वैल्यू मेरी बात बहुत ध्यान से सुनते रहे ना। अभी कोई कुछ लिखेगा नहीं मैं लिखवा दूंगा आपको मैं लिखवाऊंगा अभी आ, आप सुनते रहो बस अभी आप सुनते रहो आपको पता है ये आता है एक्सपेक्टेड रेंट और फिर यहां पर आता है एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल ठीक है और फिर जो आपकी ग्रॉस एन्युअल वैल्यू आती है वो आती है इन दोनों में से जो हायर होता है हायर ऑफ अबब ठीक है और भी बहुत सारी चीजें आती है म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट विच एवरेज हायर कंपेयर इट विथ स्टैंडर्ड रेंट विच एवरेज लोअर विच एवरेज लोअर इज दिस एक्सपेक्टेड रेंट यही होता है ठीक है चलो पूरा ही लिख देता हूं <coughs> <coughs> municipal value pair rank higher of 1 and 2 स्टैंडर्ड रेंट एक्सपेक्टेड रेंट क्या है लोअर ऑफ थ्री एंड फोर यही होता है एक्सपेक्टेड रेंट राइट अब तो क्लियर हो गया होगा अब कोई डाउट नहीं है ठीक है और फिर ये आता है सिक्स इज एक्चुअल रेंट एंड सेवन एंड सेवन इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू विच इज हायर ऑफ Which is higher of and and कहने का सिंपल मतलब यह हो गया कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज द हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट या एक्चुअल रेंट ठीक है हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट या एक्चुअल रेंट अब मेरी बात जरा बहुत ध्यान से सुनना एक्सपेक्टेड रेंट यहां पर आपको दिया हुआ है तीन लाख रुपए अब वो जैसे भी आया एक्सपेक्टेड रेंट आपको दिया हुआ है तीन लाख रुपए का ठीक है म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट हायर स्टैंडर्ड ये सारी चीजें करके आपका एक्सपेक्टेड रेंट की वैल्यू आपको दी हुई है ठीक है लोअर ऑफ थ्री एंड फोर कुछ भी करके एक्सपेक्टेड रेंट की वैल्यू आपको यहां पर दी हुई है कितनी वैल्यू दी हुई है एक्सपेक्टेड रेंट की वैल्यू आपको दी हुई है तीन लाख रुपए की ठीक है एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्सपेक्टेड रेंट की वैल्यू आप लोगों को यहां पर दी हुई है तीन लाख रुपए की अब आपको देखना है अगर आपका एक्चुअल रेंट क्वेश्चन नहीं अभी मैं आप से पूछ रहा हूं. अगर आपका अगर आपका जो एक्चुअल रेंट है वो चार लाख रुपए तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होगी ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होगी फटाफट से बताओ मेरे को अगर आपकी एक्सपेक्टेड रेंट थ्री लाख रुपीज है एक्चुअल रेंट फोर लाख रुपीज है तो वट विल बी ग्रॉस एनुअल वैल्यू कमान कमान क्विकली क्विकली लाख रूपीज इसमें किसी को कोई डाउट हो ही नहीं सकता ठीक है दिस इज फोर लाख रुपीज वेरी नाइस वेरी नाइस फोर लाख रुपीज ठीक और अगर मान लो ये टू फिफ्टी है अगर मान लो ये एक्चुअल रेंट टू लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज है तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होगी जल्दी बताओ ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होगी वट विल बी द ग्रॉस एनुअल वैल्यू वट विल बी द ग्रॉस एनुअल वैल्यू कमऑन एवरीबडी इन द चैट सेक्शन इवन ऑन यूट्यूब एवरी वन कम कमॉन कमॉन क्या होगी थ्री लाख रुपीज होगी परफेक्ट 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 देन थ्री लाख है ना एकदम क्लियर है यहां तक का फंड एकदम क्लियर है एक्सपेक्टेड रेंट या एक्चुअल रेंट विच इज हायर ये आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगी ठीक है आपको पूरी पिक्चर समझ में आ चुकी है राइट पंगा पता है क्या आएगा देखो वे यहां पर रेंट पर मंथ कितना है थर्टी थाउजेंड रुपीज रेंट पर मंथ कितना है रेंट पर मंथ है थर्टी थाउजेंड रुपीज रेंट पर मंथ है थर्टी थाउजेंड रुपीज लेकिन मकान खाली पड़ा रहा तीन महीने मतलब सिर्फ नौ महीने का रेंट आया मतलब सिर्फ नौ महीने का रेंट आया ठीक है तो थर्टी थाउजेंड रुपीज इंटू नाइन क्या आता है 2, 70, रुपीज आएगा? 2, 70, रुपीज आएगा? अगर मैं यहां पर टू लाख सेवेंटी थाउजेंड रुपीज पे करता हूं क्योंकि एक्चुअल रेंट तो टू लाख सेवेंटी थाउजेंड रुपीज आया एक्चुअल रेंट तो टू लाख सेवेंटी थाउजेंड रुपीज आया ठीक है और मैंने एक्चुअल रेंट के सामने टू लाख सेवेंटी थाउजेंड रुपीज रख दिया तो आप मुझे बताओ फॉर्मुले के हिसाब से फॉर्मुले के हिसाब से व्हाट विल बी वैल्यू एनुअल्यूले के खुशी लालचंदानी कृष्णकांत इशिका गुप्ता श्रबानी खुशी ये होगी थ्री लाख रुपीज अब मेरी बात जरा बहुत ध्यान से लॉजिकल लॉजिक समझोगे तो आपको कभी इसमें कंफ्यूजन नहीं आएगा सरकार ने यह फॉर्मूला बनाया क्यों था सरकार ने ये फॉर्मुला इसलिए बनाया था क्योंकि लोगों को जितना रेंट मिलता था उससे कम वो रेंट दिखाते थे तो सरकार ने कहा देखो यार इतना तो एक्सपेक्टेड है ठीक है इतना एक्सपेक्टेड है अब अगर तुम्हें इससे ज्यादा मिल रहा है तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम्हें इससे कम मिल रहा है तो इतना तो हम तुम्हारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू मानेंगे ही इतने पे तो तुम्हें टैक्स पे करना ही होगा इतने पे तो तुम्हें टैक्स पे करना ही होगा ठीक है मुझे एक बात बताओ ये जो भी बंदा है Osionfish. जिसका एक्चुअल रेंट टू लाख सेवेंटी थाउजेंड रुपीज का आया है क्या इसके मन में चोरी है ठीक है कैसे पता चलेगा इसके मन में चोरी है 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 या नहीं ठीक इसको बेचारे को तो नौ ही महीनों का किराया मिला यह कहां झूठ बोल रहा है यह झूठ कहां बोल रहा है यह तो झूठ तो नहीं बोल रहा है ठीक है यह जानबूझ के अपनी इनकम कम तो नहीं दिखा रहा है यह जानबूझकर अपनी इनकम कम तो नहीं दिखा रहा है ठीक है इसको वाकई नौ ही महीने का किराया मिला लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ऐसा भी तो हो सकता है मतलब इतना सुन के आपके दिमाग में तुरंत आ गया हां सर ग्रॉस एनुअल वैल्यू तो टू सेवेंटी होनी चाहिए ठीक है जैसे ही मैंने बोला ये बंदा झूठ कहां बोल रहा है ये तो बेचारा खुद तीन महीने तक किराएदार की तलाश में था उसको किराएदार मिला नहीं वो बेचारा क्या करा उसके हाथ में नौ महीने का किराया आया वो दिखा रहा है कि मुझे नौ महीने का किराया आया है मेरे मन में कोई चोरी नहीं है ठीक है इतना सुन के आप सब लोग पिघल गए आपने कहा हाँ हाँ सर कायदे से तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो है वो टू लाख सेवेंटी थाउजेंड रुपीज की ही होनी चाहिए ठीक है लेकिन ये मन में चोरी भी तो रख सकता था ऐसा भी तो हो सकता था कि इसके मन में चोरी है ठीक है तो कैसे पता लगाए कि इसके मन में चोरी नहीं है और ये जेन्युइनली इसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू टू लाख सेवेंटी थाउजेंड रुपीज की होनी चाहिए तो पता लगाने का एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिकल तरीका है कोई फॉर्मला नहीं कुछ नहीं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिकल तरीका है उससे बोला कि अच्छा ठीक है तुम कह रहे हो थर्टी थाउजेंड रुपीज तुम्हें किराया मिलता था तुम कह रहे हो रुपीज तुम्हें किराया मिलता था और नौ महीने नौ महीने का किराया तुम्हें मिला है कोई कुछ लिखेगा नहीं टू लाख सेवेंटी थाउजेंड रुपीज टू लाख सेवेंटी थाउजेंड रुपीज का तुम्हें किराया मिला है ठीक है वेकेंसी रही कितने महीने की तीन महीने की अगर मान लो ये वेकेंसी नहीं होती अगर मान लो ये वेकेंसी नहीं होती, है। तो इन तीन महीने पे भी तुम्हें 30 -30 मेरे मकान का मेरे को तीस हजार रुपए किराया मिल रहा है और वो मकान मालिक के जाएगा तो कोई नया किराएदार, वो सॉरी वो किराएदार अगर छोड़ के जाएगा तो किसी नए किराएदार को मैं तीस बत्तीस हजार में तो रखूंगा ना उससे कम में थोड़ी रखूंगा ठीक है तो सरकार ने कहा चलो ठीक है अगर मान लो उन तीन महीने भी तुम्हारे पास रेंट आता रहता तो कितना रेंट आता थर्टी थाउजेंड रूपीज तो मिनिम आता रेंट ठीक है कि वाले पीरियड में भी अगर तुम्हारे पास रेंट आता तो कितना रेंट आता थर्टी थाउजेंड रुपीज का रेंट तुम्हारे पास आता ठीक है थ्री थ्री नाइन नाइनटी थाउजेंड रुपीज का तुम्हारे पास और रेंट आता तो तुम्हारा एक्चुअल रेंट कितना होता

अगर मकान में वेकेंसी नहीं रहती तो आप एक्चुअल रेंट में 360 लिखते और अगर आप एक्चुअल रेंट में 360 लिखते तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू भी आपकी 360 आती ग्रॉस एनुअल वैल्यू भी आपकी 360 आती तो ये बंदे के मन में इस बंदे के मन में चोरी तो है ही नहीं ये तो कह ही रहा है ना कि सर ₹30000 में किराया लेता था मैं ₹30000 किराया लेता था नौ ही महीनों का किराया मुझे मिल पाया अगर तीन महीने का किराया और मिल जाता तो मैं कहां मना कर रहा हूं मैं तो कह रहा हूं ना तीन लाख साठ हजार और फिर ग्रॉस एन्यू तीन लाख साठ हजार आती क्या इस बंदे के मन में चोरी है इस बंदे के मन में बिल्कुल भी चोरी नहीं है इस बंदे के मन में बिल्कुल भी चोरी नहीं है और अगर इस बंदे के मन में चोरी नहीं है तो फिर हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए हमें बिल्कुल इसकी हेल्प करनी चाहिए तो अगर हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए तो फिर जितना इसको रेंट मिला 270 वही ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान ली जाएगी जो टू लाख सेवेंटी थाउजेंड रुपीज का इसको रेंट मिला जितना इसको रेंट मिला वही आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान ली जाएगी अब इसका फॉर्मला क्या बन जा रहा है इसका फॉर्मुला यह बन जा रहा है कि अगर एक्चुअल रेंट प्लस वेकेंसी रेंट एक्सपेक्टेड रेंट के बराबर है या एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा है अगर एक्चुअल रेंट और वेकेंसी रेंट यानी ये अगर ये एक्सपेक्टेड रेंट के बराबर है या एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा है मतलब इस बंदे के मन में चोरी नहीं है

जैसे ही आपने इस बंदे का दर्द समझा आपने कहा हाँ हाँ सर ग्रॉस एनुअल वैल्यू तो दो लाख सत्तर हजार की होनी चाहिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू तो तो लाख हजार की होनी चाहिए फिर मैंने कहा ऐसा भी हो तो हो हो सकता है ये झूठ बोल रहा रहा चोरी कर रहा अगर मान लो पूरे बारह महीने का किराया मिल भी जाता तब भी क्या ये चोरी नहीं कर रहा है तो चोरी नहीं कर रहा है यह पता करने के लिए मैंने क्या किया मैंने किया कि अच्छा अगर मान लो तीन महीने खाली नहीं पड़ा रहता तो तुम्हारा रेंट कितना होता तो ये इसने कहा कि सर मेरा रेंट तो तीन लाख साठ हजार रुपए हो जाता मैं कहता हूँ चोरी तो नहीं कर रहा है क्योंकि एक्सपेक्टेड रेंट तो हम तीन लाख ही मान के चल रहे अगर एक्सपेक्टेड रेंट के बराबर या उससे ज्यादा आ रहा है टोटल एक्चुअल प्लस वेकेंसी मिलाकर मतलब इसके मन में चोरी नहीं है और अगर इसके मन में चोरी नहीं है तो हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए जितना इसको मिला वही इसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान लेनी चाहिए और यहां से आकर ये वाला फॉर्मूला बनता है इस फॉर्मुले को डायरेक्टली आप लोग रट लेते तो आपको चीज समझ में नहीं आती लेकिन अभी आपको चीज यहां तक समझ में आ रही है मन में चोरी नहीं है तो फिर ग्रॉस एनुअल वैल्यू ही है अब आप इसको लॉ लॉ का formula, का बोल के रटोगे तो नहीं ठीक है अब आप इसको लॉ का फॉर्मूला लॉ का फॉर्मूला बोल के रटोगे तो नहीं कि टैक्स में तो कुछ भी हो जाता है पता नहीं कहां से कुछ भी निकाल लेते हैं ये लोग लॉजिकल है एकदम लॉजिकल है एकदम लॉजिकल है ठीक है बहुत बढ़िया एकदम लॉजिकल वेरी नाइस ठीक है अगर मान लो कम आता तो फिर क्या होता मान लो ऐसा होता मान लो ऐसा होता कि ये कहता भाई मेरा रेंट तो दस हजार रुपए महीने का है मान लो ऐसा होता कि ये कहता मेरा रेंट दस हजार रुपया महीना है ठीक है एक्सपेक्टेड रेंट तीन लाख है और इस बंदे का मेरा रेंट दस हजार रुपए महीना है तीन महीने मकान खाली पड़ा हुआ था ठीक है तो नाइन मंथ का मिला था तो नाइनटी थाउजेंड यहां आया नाइनटी थाउजेंड ठीक है अब मैं आपसे बोलूं कि फॉर्म्य के हिसाब से तो फॉर्मुले के हिसाब से तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू थ्री लाख की होनी चाहिए फॉर्म्य के हिसाब से तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट ठीक है तो फॉर्मुले के हिसाब से तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू थ्री लाख रूपीज की होनी चाहिए लेकिन फिर मैंने आपको इस आदमी का दर्द बताया मैंने कहा यार इस आदमी की जिंदगी में कितने सारे दुख है इस आदमी की जिंदगी में कितने सारे दुख है देखो इसका मकान तीन महीने तक खाली पड़ा रहा कोई आया भी नहीं इसका मकान तीन महीने तक खाली पड़ा रहा कोई आया भी नहीं ठीक है तो फिर ये तो फिर हमने कहा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं एक काम करते हैं अगर तीन महीने तक तुम्हारा मकान खाली नहीं रहता अगर तीन महीने तक तुम्हारा मकान खाली नहीं रहता तो फिर तुम्हारा टोटल रेंट कितना होता है एक्चुअल तुम्हें तुम्हें कितना मिला है? मिला है है एक्चुअल यानी थाउजेंड तो तुम्हें एक्चुअल मिला है और अगर तीन महीने तुम्हारा मकान खाली नहीं रहता तो तुम्हें थर्टी थाउजेंड और मिल जाता यानी तुम्हारा कितना आ जाता तुम्हारा वन लाख ,00, ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज आ जाता अब मुझे एक बात बताओ क्या वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड थ्री लाख से ज्यादा है मतलब अगर वेकेंसी नहीं भी होती तब भी इसके मन में तो चोरी थी यस yes. अगर वेकेंसी नहीं भी होती तब भी इसके मन में चोरी थी ठीक है अगर मन में चोरी है वेरी नाइस nice. खुशी चटक बात ठीक है बिल्कुल आपने अगर अगर तो और अगर मन में चोरी होती अगर मन में चोरी होती तो यहां पर 120 लिखता है अगर मन में चोरी है तो वन ट्वेंटी लिखता और हम जीएवी क्या लेते जीएवी हम थ्री लाख ले लेते gross annual value हम लाख ले लेते। तो अब यहां पर एक और बन जाता 120 ये अगर एक्सपेक्टेड रेंट से कम है तो फिर ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या बनेगी ग्रॉस एनुअल वैल्यू बन जाएगी एक्सपेक्टेड रेंट ग्रॉस एनुअल वैल्यू बन जाएगी एक्सपेक्टेड रेंट ठीक है तो अगर एक्चुअल रेंट अगर एक्चुअल रेंट प्लस वेकेंसी रेंट एक्सपेक्टेड रेंट के बराबर है या एक्सपेक्टेड रेंट से बड़ा है तो मतलब मन में चोरी नहीं है तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू वैल्यू विल विल बी ग्रॉस एनुअल बी एक्चुअल रेंट जितना मिला हमें उसकी मदद करनी चाहिए क्योंकि वो चोरी नहीं कर रहा है हमें उसकी मदद करनी चाहिए लेकिन अगर एक्चुअल रेंट प्लस वेकेंसी रेंट एक्सपेक्टेड से कम है तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू विल बी एक्सपेक्टेड रेंट ये दोनों का के पीछे का लॉजिक आपको समझ में आ रहा है सिंपल क्लियर कुछ रटने की जरूरत नहीं है फॉर्मूले के पीछे का लॉजिक आपको समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है क्यों हो रहा है कैसे हम उसकी मदद कर पा रहे हैं कैसे नहीं कर रहे ठीक है वेरी नाइस nice. बहुत बढ़िया शानदार अमेजिंग वेरी नाइस बहुत बढ़िया ठीक है तो बस अब यही करना है और ये मैंने चीज आप लोगों को यहां पर लिखकर दी हुई है

क्वेश्चन नंबर टेन ठीक है एक्चुअल रेंट एक्चुअल रेंट कितना है थर्टी थाउजेंड इंटू नाइन थर्टी थाउजेंड इंटू नाइन टू लाख सेवेंटी थाउजेंड वेकेंसी रेंट कितना है वेकेंसी थ्री मंथ्स की है थर्टी थाउजेंड इंटू थ्री नाइनटी थाउजेंड यह आया आपका थ्री लाख सिक्सटी ठीक एक्सपेक्टेड रेंट कितना है थ्री लाख रुपीज का है एक्सपेक्टेड रेंट ठीक है तो हम यहां पर लिखेंगे सिंस एक्चुअल रेंट प्लस वेकेंसी रेंट इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड रेंट ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज इक्वल टू एक्चुअल रेंट देयर फोर ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज इक्वल टू टू लाख सेवेंटी थाउजेंड रुपीज ग्रॉस एनुअल उज रुपीज आ गई क्या ये बात आप सबको समझ में आ गई स्टैंड स्टैंड ठीक है जी सर दिव्या सुमित रूपाली श्रबानी वेरी नाइस ठीक है फटाफट से यहां पर चैट बॉक्स में आप लोग कंफर्म कर दीजिए ठीक यूट्यूब पे भी सब लोग राइट वेरी नाइस यूट्यूब पे जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए वॉचिंग बट वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग प्लीज को लाइक like कर दीजिए तो यहाँ पर ग्रॉस एनुअल वैल्यू विली वॉट ग्रॉ एनुअल वैल्यू विल भी टू लाख सेवेंटी थाउजेंड रुपीज ग्रॉस एनअल वैल्यूलटी थाउजंड रुपीज चलो बहुत बढ़िया आइए क्या कह रहेपेटेड रेंट इज थ्री लाख रेंट पर मंथ इज ट्वेंटी थाउजेंड वेकेंसी इज वन मंथ ठीक है तो एक्चुअल रेंट कितना हुआ अब वेकेंसी अगर एक महीने की है तो ग्यारह महीने का किराया मिला ट्वेंटी थाउजेंड इंटू इलेवन ट्वेंटी थाउजेंड इंटू इलेवन कितना इलेवन टू से ट्वेंटी टू टू लाख ट्वेंटी थाउजेंड ठीक है दो लाख बाईस हजार का ही आ गया वेकेंसी रेंट ट्वेंटी थाउजेंड इंटू वन ट्वेंटी थाउजेंड टोटल कितना आया टू लाख फोर्टी थाउजेंड एक्सपेक्टेड रेंट कितना है एक्सपेक्टेड रेंट है आपका थ्री लाख रुपीज अब यहां पर आप लिखोगे सिंस एक्चुअल रेंट प्लस वेकेंसी रेंट इज लेस एक्सपेक्टेड रेंट ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेंट ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज इक्वल टू थ्री लाख रुपीज क्यों क्योंकि मन में चोरी आ गई है ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज थ्री लाख रुपीज क्योंकि मन में चोरी आ गई है क्या यह बात आप सब समझ में आ गई वेरी नाइस ये सर समझ आ गया निश्चिंतरे में शिव कोहली ठीक ठीक है है जी चोरी तो इसमें भी लोग कर सकते हैं वेकेंसी बता के नहीं कर सकते क्योंकि जो रेंट आता है वो आपको उसमें आएगा सॉरी बैंक अकाउंट में आएगा बैंक अकाउंट में अगर आएगा तो फिर चोरी नहीं कर सकते बाकी कैश में अगर लेकर चोरी करनी है तो वो तो कभी भी कोई भी कर सकता है ब्लैक मनी में चोरी कोई नहीं रोक सकता ठीक है ब्लैक मनी में चोरी रोकने के बहुत सारे एफर्ट्स किए जा रहे हैं जैसे डीमोनेटाइजेशन आया डिजिटल इंडिया का काफी प्रमोशन किया जा रहा है वो इसीलिए किया जा रहा है जिससे ब्लैक मनी को यूज लोग कम करना शुरू करें तो पूरी तरह से तो चोरी कभी भी सरकार नहीं रोक सकती है लेकिन हाँ अगर को, कोई कोई जेनुइनली चोरी नहीं कर रहा है उसको मदद जरूर कर सकती है ठीक है बहुत बढ़िया फिर से वॉइस की प्रॉब्लम आ गई अब क्या वॉइस की प्रॉब्लम आ गई यार यूट्यूब पे तो सही वॉइस आ रही है हद हो गई यार

हेलो प्रॉब्लम है अभी वॉइस में परफेक्ट है सही चल रही है वॉइस अभी ठीक है पक्का ठीक है सही है अब अच्छा और यूट्यूब वालों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है माइक टेस्टिंग वन टू थ्री वो तो हो ही रहा है परफेक्ट है चलो थैंक गॉड ठीक है आओ क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व देखो ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व देखो एक्सपेक्टेड रेंट थ्री लाख रेंट पर मंथ इज पच्चीस हजार वेकेंसी फोर मंथ ठीक है तो एक्चुअल रेंट वेकेंसी अगर फोर मंथ्स की है तो फिर एक्चुअल रेंट कितना मिला बारह में से चार गया मिला आप बना आठ तो पच्चीस हजार इंटू आठ पच्चीस हजार इंटू लाख रुपए सी रेंट इज पच्चीस हजार इंटू चार एक लाख रुपए टोटल कितना आ गया टोटल तीन लाख आ गया एक्सपेक्टेड रेंट भी कितना है एक्सपेक्टेड रेंट भी तीन लाख ,00 है सिंस एक्चुअल रेंट प्लस वेकेंसी रेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेंट ठीक है ये इसके बराबर ही है तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज इक्वल टू एक्चुअल रेंट तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपकी आ जाएगी टू लाख रुपीज ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गई आपकी टू लाख रुपीज क्या यह बात आप सबको समझ में आ गई बोलो नहीं दृष्टि दो लाख रुपए देखो बराबर आ गई ना यह टोटल आपका एक्सपेक्टेड रेंट के बराबर आ गया मतलब मन में चोरी है नहीं मतलब मन में चोरी नहीं है है ना अगर मन में चोरी नहीं है तो फिर जितना उसको रेंट मिला उतनी ग्रॉस एनुअल वैल्यू ले लो अरे यार ये वॉइस प्रॉब्लम में तो बड़ी दिक्कत है यार मैं शाम से ना लैपटॉप पे लेना शुरू करता हूँ फिर ये डेस्कटॉप पे कुछ कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो मैं शाम से अ, उस पर लेना शुरू करता हूँ लैपटॉप पे लेना शुरू करता हूँ लैपटॉप में तो प्रॉब्लम नहीं आती थी बट आई डोंट नो क्यों आ रही है प्रॉब्लम हेलो 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 नहीं आप लोग चिंता मत करो दोपहर से मैं लैपटॉप पे ही क्लास ले लूंगा तो फिर इसमें दिक्कत आएगी नहीं आप लोगों को ठीक है दोपहर से आई टेक द ऑन लैपटॉप ओनली सो आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी ठीक अभी कैसी चल रही है आवाज मैं एक बार रिफ्रेश करके देखूँ हेलो 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 ऑल ओके आ रही है भी भैया अब ठीक है क्लियर है आगे अब आ रही है चलो अच्छी बात है बट मुझे लग रहा है कि फिर से दिक्कत आ सकती है अब ठीक है फाइन सृष्टि अग्रवाल चलो अच्छा अच्छी बात है यार पर मुझे लग रहा है दिक्कत आ सकती है एनीवे anyway, वे हम लोग शुरू कर देते हैं अपना नया मुद्दा पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी एरिया वाइज अब सुनो ठीक है क्लियर है ना अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा आ रहा है पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी एरिया वाइज मैं चैट को ना ऑफ कर रहा हूं ना उसको मतलब अब चैट में लगातार देखा जा रहा हूं ठीक है तो आप लोग प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना

हम्म hmm. क्या करें अब मैं विजिबल हूं अब तो फाइन है चलो अब फाइन है तो अच्छी बात है ठीक है अब फाइन है तो अच्छी बात है आई एम वेरी सॉरी आई फॉर दिस डोंट नो मैं बट इसको आज ही ठीक करता हूँ ठीक है मी सी मैं आज इसको ठीक करता हूँ ठीक है एम वेरी सॉरी फॉर दिस मैं लेकिन इसको ठीक करता हूँ अभी मैं क्लास एंड नहीं करना चाह रहा चलो YouTube पर अभी ठीक आ रही है आवाज YouTube वाले कंफर्म कर दो YouTube पर अभी आवाज ठीक आ रही है YouTube पे आवाज ठीक आ रही है ना ओके यूट्यूब यूट्यूब इज ऑल्सो ओके और यहां पर भी कोई बात नहीं सर आपकी गलती नहीं है थैंक यू सुशेन फॉर अंडरस्टैंडिंग थैंक यू चलो ठीक है अभी हम लोग यहां पर बात करते हैं अगेन मैं चार्ट को बंद बंद नहीं कर रहा हूँ जिससे अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं देख लूं तो पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी जो एरिया वाइज होता है इसमें ये होता है कि थोड़ा सा मैंने आ, मेरे पास सपोज थ्री रूम्स का आ, मकान है उसमें से दो कमरों में मैं खुद रह रहा हूँ एक कमरा मैंने किराए पर दिया हुआ है

इस केस में जो म्यूनिसिपल वैल्यू है फेयर रेंट है स्टैंडर्ड रेंट है म्यूनिसिपल हलो आ जाओ यार फिर YouTube पर आ जाओ फिर YouTube पर आ जाओ ठीक है नहीं तो ऐसे करते करते फिर 25 मिनट हमारे बचे हुए वो वेस्ट हो जाएगा आई नो इट्स इरिटेटिंग आयुष यार मैं क्या करूं ठीक है YouTube पर आ जाओ ठीक है आप लोग अभी YouTube पर आ जाओ और उसके बाद शाम वाली क्लास में इशू नहीं आएगा आई प्रॉमिस यू ठीक है शाम वाली क्लास में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी आई प्रॉमिस यू आई नो इट्स वेरी इरिटेटिंग इट्स अ फॉर मी एज वेल कुछ तो सिस्टम में इशू होगा मैं उसको चेक करवाता हूँ अभी आप लोग प्लीज यूट्यूब लो पर आ जाइए ठीक है आई एम वेरी सॉरी अभी आप लोग यूट्यूब पर आ जाइए ठीक है अभी आप लोग यूट्यूब पर आ जाओ ठीक थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड प्लीज नो प्रॉब्लम सर होता है कभी कभी थैंक यू खुशी थैंक यू ठीक है आइए यूट्यूब पे आइए गेमिंग विद अभी कह रहे हैं वेलकम गाइज ठीक आ जाओ तो पार्टली लेट आउट प्रॉर्टी एरिया के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं अब मैं आप नहीं देख रहा हूं अब मैं सिर्फ सिंपली यूट्यूब देख रहा हूं ठीक है अब मैं आप नहीं देख रहा हूं आई अंडरस्टैंड आप में कुछ प्रॉब्लम है उसको मैं ठीक करवा दूंगा ठीक है उसको मैं ठीक कर लूंगा दोपहर वाली क्लास में जीएससी वाली क्लास में कोई इशू नहीं आएगा और आगे आने वाली क्लासेस में भी कहीं पर कोई इशू नहीं आएगा तो फिर बस अभी फिलहाल आप लोग यूट्यूब पर आ जाओ अभी हम लोग यूट्यूब पर देखते हैं आगे चलो आगे सारे के सारे बहुत बढ़िया बहुत शानदार बहुत ही बढ़िया ठीक चलो आ जाओ तो uh, let's look at this now. अब YouTube पे आ गए हो तो आप लोग वीडियो को भी लाइक कर दो के बारे में मैं आपको बता रहा था कि वाइज का मतलब होता है कि suppose मेरे पास एक तीन मकान, तीन कमरों का मकान है उसमें से दो कमरों में मैं खुद रह रहा हूं टू थर्ड हैव बिन ऑक्यूपाइंग एंड वन थर्ड ऑफ द प्रॉपर्टी समबड़ी एल्स इज ऑक्यूपाइंग अब ऐसे केस में क्या होता है म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट स्टैंडर्ड रेंट सबको प्रोपोर्शनेटली लिया जाएगा ठीक है क्योंकि जो सेल्फ ऑक्युपाइड पोर्शन वाली जो सेल्फ ऑक्युपाइड पोर्शन होगा उसके लिए तो नेट एसेट वैल्यू सॉरी नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगी ठीक है जो सेल्फ ऑक्युपाइड वाला पोर्शन होगा उसके लिए तो नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगी लेकिन जो लेट आउट पोर्शन होगा उसमें आपको बाइफिकेशन करना होगा ठीक है अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा लेकिन सुनो जो एक्चुअल रेंट आपको मिलेगा उसका वाइफिकेशन आपको नहीं करना होगा एक्चुअल का आपको बाइफिकेशन नहीं करना होगा क्योंकि कोई भी बंदा है मतलब इमेजिन करो जस्ट जस्ट इमेजिन सपोज मेरे घर पर सुशेन आकर रह रहा है किराए पर ठीक है सपोज मेरे पास सुशेन आकर किराए पर रह रहा है अब मैं अब मैं दो कमरों के मकान में रह रहा हूं मैं तीन कमरों के मकान में रह रहा हूं दो कमरों में मैं खुद मैंने ऑक्युपकेशन लिया हुआ है और एक कमरे में सुशेन रह रहा है ठीक है अब सुशेन जब मुझे किराया देगा अब जब सुशेन मुझे किराया देगा तो सुशेन क्या मुझे तीनों कमरों का किराया देगा नहीं सुशेन तो मेरे को एक ही कमरे का किराया देगा ना तो जो सुशेन एक्चुअल रेंट मेरे को देगा वो तो सिर्फ उसी पोर्शन का रेंट मिलेगा ना लेकिन जो म्यूनिसिपल वैल्यू होगी वो तो पूरे घर की होगी तो उसको हमें बाइफोकेट करना होगा टू थर्ड वन थर्ड जो फेयर रेंट होगा वो भी पूरे मकान का होगा उसे हमें बाइफोकेट करना होगा टू थर्ड वन थर्ड जो स्टैंडर्ड रेंट होगा उसे हमें बाइफोकेट करना होगा एंड सो ऑन राइट तो क्वेश्चन करते हैं तो आपको और क्लैरिटी आएगी देखो क्वेश्चन क्या कह रहे प्रेम ओन्स इन मद्रास मद्रास ठीक है प्रेम अ हाउस इन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ट्वेंटी फोर टू थर्ड पोर्शन ऑफ द हाउस सेल्फ ऑक्युपाइड एंड वन थर्ड पोर्शन वॉज लेट आउट फॉर रेजिडेंशियल एट रेंट ऑफ एट थाउजेंड रूपीज पर मंथ म्यूनिसपल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी थ्री लाख रुपीज पर आनम रेंट इज टू लाख सेवेंटी थाउजेंड रुपीज पर आनम एंड स्टैंडर्ड रेंट इज थ्री थर्टी रुपीज पर आनम अब ये जो म्यूनिपल वैल्यू फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट है इसको टू थर्ड वन थर्ड करना पड़ेगा ही पेड म्यूनिसपल टैक्स एट टेन द म्यूनसिपल वैल्यू ड्यूरिंग द ईयर

ओल्ड स्कीम के हिसाब से निकालना पड़ेगा फिर दिया हुआ है व्हाट वुड बी प्रेम द हाउस प्रॉपर्टी अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रेशम तो आपको ओल्ड स्कीम स्कीम न्यू दोनों से करना होगा पहले आपको ओल्ड स्कीम के हिसाब से आंसर अपना निकालना होगा ठीक है पहले आपको ओल्ड स्कीम के हिसाब से आंसर निकालना होगा ओल्ड स्कीम से आंसर निकालने के बाद आपको न्यू स्कीम से भी आंसर निकालना होगा तो सभी लोग यहां पर मेरे साथ लिखेंगे दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्टीन ठीक है सब लोग यहां पर मेरे साथ लिखेंगे दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्टीन तो देखो अब यहां पर आपको क्या करना होगा यहां पर आपको लिखना होगा प्रेम का करना है ना तो देखो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ प्रेम फॉर असेसमेंट ईयर 24 25 अंडर द ओल्ड स्कीम ठीक है ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ फ्रेम फॉर असेसमेंट ईयर ट्वेंटी फोर फाइव ओल्ड स्कीम ठीक है अंडर ओल्ड स्कीम तो यहां पर आप करोगे पर्टिकुलर्स ठीक है यहां पर आप करोगे एसओपी टू थर्ड और यहां पर आप करोगे एलओपी वन थर्ड तो फिर यहां से आपका स्टार्ट हो जाएगा देखो आपको यहां लिखना होगा म्यूनिसिपल वैल्यू ठीक है म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट हायर ऑफ वन एंड टू ठीक है उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट फिर यहां पर आएगा आपका एक्सपेक्टेड रेंट लोअर ऑफ थ्री एंड फोर उसके बाद आएगा आपका एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, रिसीव रिसीवेबल, फिर आपका आएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू हायर ऑफ फाइव एंड ठीक है ग्रॉस एन्यल वैल्यू आ गई आपकी हायर ऑफ ये फाइव एंड सिक्स फिर इसमें से आप लेस करोगे म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड फिर आपकी आ जाएगी एनएवी फिर इसमें से आप लेस करोगे डिडक्शन अंडर सेक्शन ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर ए वाला थर्टी परसेंट ऑफ एन और ठीक है और 24 बी वाला इंटरेस्ट ऑन लोन और फिर आपके पास आ जाएगी यहां पर इनकम फ्रॉम हाउस ठीक है? फिर आपके पास आ जाएगी इनकम फ्रॉम हाउस है ठीक है? तो देखो self -occupied property जो है जो SOP वाला portion है जो वाला यानी ये वाला जो पोर्शन है जो ये वाला portion है इसमें तो सब कुछ निल आएगा क्योंकि इसमें जो एन है वही नील आएगी ठीक है तो यहां पर म्यूनिस्पल वाल ठीक है एनएवी आ गई आपकी नील अब यहां पर जो थर्टी परसेंट ऑफ एन है वो भी निल आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे ठीक है अब लेट आउट पोर्शन आपका वन थर्ड है तो म्यूनिपल टैक्सेस कितने है आपका टैक्सेस फॉर टैक्से म्यूनिशिपल वैल्यू फॉर दी एंटायर वैल्यू एंटायर हाउसेस थ्री लाख तो थ्री लाख रुपीज का वन थर्ड आपको करना होगा थ्री लाख रुपीज का इंटू वन बाई थ्री ये आपको करना होगा ये कितना आया वन लाख रुपीज आया तो म्यूनिसिपल वैल्यू में आप भरोगे वन लाख रुपीज ठीक है क्योंकि वन थर्ड पोर्शन लेट आउट है तो म्यूनसिपल टैक्सेस म्यूनसिपल वैल्यूएशन में आप करोगे one lakh अच्छा उसके बाद fair rent is two lakh 70, तो तो का one by three, कितना आता है है ये 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 आ जाता आपका तो आपने किया नाइन था अब इनमें से जो भी हायर है वो तो वन लाख रुपीज अब आप इसको कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड रेंट से स्टैंडर्ड तो रुपीज का वन बाई थ्री ये कितना है one lakh 10, आया वन लाख टेन थाउजेंड रुपीज नाउ यू कंपेयर इट विद एक्चुअल रेंट ठीक है सॉरी एक्सपेक्टेड हाँ एक्सपेक्टेड रेंट क्या होगा इन दोनों में से जो भी लोअर है ना तो लोअर क्या हुआ लाख रुपीज लोअर आ गया ठीक है एक्सपेक्टेड रेंट आपका आ गया अब आप जरा देखो एक्चुअल रेंट आपको कितना मिला है एक्चुअल रेंट आपको मिला है एट थाउजेंड रुपीज शायद एट थाउजेंड रुपीज ठीक है अब एट थाउजेंड इंटू ट्वेल्व जब आप करोगे तो मेरे को बताओ क्या इस 96,000 का भी आपको लेना होगा नहीं क्योंकि ये उसी वन थर्ड पोर्शन के लिए तो मिला है जो आपने लेट आउट किया हुआ है ठीक है कोई भी बंदा इतना बड़ा बेवकूफ तो नहीं होगा कि तीन कमरे के मकान में एक कमरे में रहेगा और किराया तीन कमरों का पे करेगा नहीं तो ये जो रुपीस का आपको रेंट मिला है, इसका सिक्स थाउजेंड रुपीज टू थर्ड करने की कोई जरूरत नहीं है क्यों क्योंकि ये तो मिला ही उसी एक कमरे ठीक है आप यहां पर कर दो गे। से जो भी हायर होता है वो आ जाती है ग्रॉस जो भी हायर होता है वो आ जाती है अब म्यूनिसिपल टैक्सेस के बारे में बात करो म्यूनिसिपल टैक्सेस आपने कितने पे किए म्यूनिसपल टैक्सेस पे टेन परसेंट ऑफ द म्यूनसिपल वैल्यू टेन परसेंट ऑफ द म्यूनिपिपल वैल्यू तो म्यूनिसपल वैल्यू कितनी है ठीक है तो वन लाख रुपीज का टेन परसेंट कितना आता है टेन थाउजेंड रुपीज आपके टैक्सेस पेड आएंगे यहां डाउट आता है यहां एक डाउट आता है कि सर म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड को भी तो आपको third, third में करना चाहिए यहां एक डाउट आता है कि सर म्यूनिसपल टैक्सेस पेड को भी तो आपको one third, two third में करना चाहिए ठीक है तो देखो बहुत ध्यान से सुनो मेरी बात अगर आप पूरी municipal value का, अगर आप आप पूरी municipal value का 10 पूरी का का लेते यानी थ्री लाख रुपीज आपकी पूरी की पूरी म्यूनिसिपल वैल्यू है अगर आप इसका टेन परसेंट लेते थर्टी थाउजेंड तब आप करते ना वन बाई थ्री तब आप करते ना वन थर्ड यहां पर तो आपने म्यूनिसिपल वैल्यू को ही वन थर्ड कर रखा है तो अगर म्यूनिसिपल वैल्यू को वन थर्ड कर रखा है तो उसका टेन परसेंट डायरेक्टली आपको यही तो देगा ठीक है अगर आप टेन परसेंट ऑफ एंटायर म्यूनिसिपल वैल्यू करते अगर आप टेन परसेंट ऑफ एंटायर म्यूनिसिपल वैल्यू करते तब आप उसका वन थर्ड निकालते तो इट वुड अड सेंस लेकिन यहां पर जब आपने म्यूनिसिपल वैल्यू ही वन थर्ड कर दी वन थर्ड करने के बाद ही तो म्यूनिसिपल वैल्यू ये वन लाख रुपये आई और अगर आपने म्यूनिसिपल वैल्यू पे वन थर्ड कर दिया है तो फिर इसका फिर से जो आपकी नेट एनुअल वैल्यू है वो आ गई नाइन रुपीज।, रुपीज अब इसमें आपको पहला डिडक्शन देना है थर्टी परसेंट ऑफ एनिवी का थर्टी तो परसेंट कितना सत्ताईस हजार रुपए थर्टी परसेंट आ गया सत्ताईस के बारे में जो इंटरेस्ट पे किया वो तो पूरे के पूरे मकान के लिए किया तो इसका भी वन थर्ड टू थर्ड करो तो वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज काउजेंड रुपीज का डिडक्शन आपको यहां पर मिलेगा ठीक है और वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज का टू बाई थ्री कितना यहां पर मिलेगा जो लेट आउट प्रॉपर्टी है उसमें दो लाख रुपए तक का डिडक्शन तो अलाउड है ना अगर कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है तो यह वाला लोन किसके लिए लिया था यह लोन किस चीज के लिए लिया गया आओ देखते हैं यह लोन किस चीज के लिए लिया गया अ लोन ऑफ ट्वेंटी फाइव लाख रुपीज वॉज टेकन बाई हिम ड्यूरिंग दर टू थाउजेंड नाइनटीन फॉर अक्वायरिंग द प्रॉपर्टी परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए लिया हुआ है अक्वायरिंग करने के लिए लिया हुआ है, करने का मतलब क्या हुआ? Purchase करने के लिया है। अगर लोन आपने परचेज करने के लिए लिया है। दो लाख रुपए अलाउड है तो यहां पर दो लाख अस्सी हजार तो और कम ही आ रहा है ना अस्सी हजार कम आ रहा है तो अब यहां पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो फिर ये कितना आएगा यहां पर तो नेगेटिव एट्टी था आ जाएगा क्योंकि जीरो में से

23,000 से 23,000 की आपकी इनकम आ गई तो नेट इनकम कितनी हुई नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी हुई आपकी माइनस एट्टी थाउजेंड प्लस ट्वेंटी थ्री थाउजेंड सेट ऑफ हो जाएगा ये बहुत आराम से सेट ऑफ होगा माइनस एट्टी थाउजेंड प्लस ट्वेंटी थ्री थाउजेंड कितना आया माइनस 23,000 थाउजेंड प्लस ट्वेंटी थ्री थाउजेंड यह आ गया आपका फिफ्टी सेवन थाउजेंड रुपीज का लॉस ये आ गया आपका फिफ्टी सेवन थाउजेंड रुपीज का लॉस दिस इज जाते तो कितना आसान होता है इन को समझना? ठीक है? आपको समझ में आ रहा कि है उसके बाद ये समझना कितना आसान है और किसी चीज में दिमाग लगाना ही नहीं, नहीं। वैल्यूज उठाओ फॉर्मेट में पुट करो वैल्यूज उठाओ फॉर्मेट में पुट करो ठीक है एकदम सिंपल आजाद अहमद खुशी सुशेन रिजा इशिका वृष्टि खुशी जहरा री नाइस आफ्टर मेकिंग फॉर्मैट इट इज वेरी क्लियर और अभी आपको यहां पर पार्टली लेट आउट का भी समझ में आ गया वन थर्ड टू थर्ड वाला वन थर्ड टू थर्ड वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया अब देखो सेम चीज अब हम करते हैं न्यू स्कीम में आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है आपको पूरा दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है आप सिंपली एक बात बताओ न्यू स्कीम में बाकी सब कुछ तो सेम रहेगा एटलीस्ट लेट पोर्शन वाली जो चीजें वो तो एक्जैक्टली सेम रहेंगी लेट आउट पोर्शन वाली जो चीजें हैं, वो तो exactly रहेंगी. Self -occupied portion में इंटरेस्ट ऑन लोन का आपको नहीं मिलेगा. ठीक है, में interest on loan का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा अगर इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा तो लेट आउट प्रॉपर्टी सॉरी सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी की इनकम कितनी आएगी नील आएगी अभी ओल्ड स्कीम के हिसाब से जो एट्टी थाउजेंड रुपीज का लॉस चल रहा था ओल्ड स्कीम के हिसाब से जो एट्टी थाउजेंड रुपीज का लॉस था वो लॉस क्या अब न्यू स्कीम में आएगा नहीं वो लॉस न्यू स्कीम में नहीं आएगा न्यू स्कीम में इट विल बी जीरो इट विल बी जीरो तो अब आपको बस इतना लिखना है अब आपको बस इतना लिखना है मैं एक नोट लिखवा रहा हूं उस नोट को लिखो लिखो अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रेजीम अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजीम under the default tax regime preem would not be entitled preem would not be entitled preem would, would not be entitled to interest deduction preem would not be entitled to interest deduction of 80000 80, rupees 80000 rupees under section twenty four B, under section twenty four B, in respect of self occupied, in respect of self occupied portion, two third, in respect of self occupied portion that is two third portion, okay? In respect of self occupied portion that is two third portion, thick. Okay? Hence. Income from house property, income from house property would be twenty three thousand rupees. That is the income from the let out portion.

जी साइमा एग्जाम में अंडर सेक्शन की जगह यूएस लिखेंगे तो चलेगा बिल्कुल ठीक है स्मॉल में लिखना लेकिन कैपिटल यू कैपिटल एस नहीं होगा ठीक है कोई इशू नहीं आएगा इसमें डन नाइस क्वेश्चन शर्मा ठीक बहुत बढ़िया बहुत शानदार आओ लेट्स मूव ऑन एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग आज की क्लास में अभी तो अभी दस मिनट बचे ना दस मिनट में एक और क्वेश्चन कर लेते हैं देखो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन आओ फटाफट से यहां पर लिखेंगे सब लोग क्वेश्चन नंबर फोर्टीन एंड लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन एज वेल ठीक है आपको और

यस yes. क्योंकि दो आइडेंटिकल यूनिट्स हैं आइडेंटिकल यूनिट्स मतलब एक जैसी यूनिट्स है तो दोनों का एरिया वगैरह सेम होगा रेंटेड यूनिट वॉज वेकेंट फॉर टू मंथस ड्यूरिंग द इयर बताओ वेन्सी का भी कॉन्सेप्ट आ गया यहां पर हाउसियसर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर वॉज एज आर एज अंडर यह सब हो गया ठीक है इसको हम लोग पढ़ लेंगे कंप्यूट दिनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर मिस फॉर दर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव इफ ई एक्सरसाइज ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट एक्सरे प्रोवाइड अंडर सेक्शन एक सौ पंद्रह बी एस सी वन ए मतलब ओल्ड स्कीम के हिसाब से हम लोगों को इस क्वेश्चन को सोल्व करना ठीक है इस पूरे क्वेश्चन का हम लोगों को ओल्ड स्कीम के हिसाब से सॉल्व करना है आओ फटाफट -पड़ से देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर एक्स फॉर असेसमेंट ईयर 2425 कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर एक्स फॉर असेसमेंट ईयर 2425 आप यहां पर कर दो पर्टिकुलर्स ठीक है आप यहां कर दो सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन एसओपी फिफ्टी परसेंट एल फिफ्टी परसेंट ठीक है सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन फिफ्टी परसेंट लेट आउट पोर्शन फिफ्टी परसेंट ठीक तो सबसे पहले म्यूनिसिपल वैल्यू उसके बाद पेरेंट ठीक फिर हायर ऑफ वन एंड टू फिर स्टैंडर्ड रेंट फिर एक्सपेक्टेड रेंट लोअर ऑफ थ्री एंड फोर ठीक फिर एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल एक्चुअल रेंट रिस रिसीवेबल इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट वन इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट वन क्यों क्योंकि वेकेंसी भी है ठीक है और अगर वेकेंसी है तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू भी आपकी वर्किंग नोट वन से निकलकर आ जाएगी अभी आप लोग बस लिख लो मैं आपको जैसे करवाऊंगा वैसे आप लोग लिख लेना ठीक लेस म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड एनएवी लेस

यहां आ जाएगी आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यह आएगी आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू ठीक है इसमें से आप म्यूनिसिपल टैक्सेस पे करोगे ये आएगी आपकी नेट एनुअल वैल्यू और यह आपकी आएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये आपका बन चुका है फॉर मैट ठीक है यह आपका बन चुका है फॉर ठीक है आओ इस फॉर्मेट को फिल करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले म्यूनिसिपल वैल्यूएशन वन लाख थाउजेंड रुपीज पर लाएगा तो ठीक एसओपी में, तो में यहां तक बस इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में हम लोग बात करेंगे वो भी बाद में बात करेंगे अभी यहां पर आप के बारे में बात करो, यह आ गया ठीक है म्यूनिसपल वैल्यू फिर फेयर रेंट फेयर रेंट कितना है फेयर रेंट एटी वन थाउजेंड एटी वन थाउजेंड एक्सपेक्टेड रेंट कितना लोअर ऑफ दी वन थाउजेंड आपका एक्सपेक्टेड रेंट निकलकर आ गया है ठीक है अब आपको बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट वन अब आपको बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट वन तो यहां पर आप लिखोगे वर्किंग नोट वन कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू ठीक है वर्किंग नोट वन कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू तो आप यहां पर लिखोगे एक्चुअल रेंट एक्चुअल रेंट कितने रुपए पर रेंट पर दिया हुआ था कितने रुपए पर रेंट पर दिया हुआ था एट थाउजेंड रुपीज पर मंथ ओके एट थाउजेंड रुपीज पर मंथ और कितने की वेकेंसी थी कितने दो महीने की वेकेंसी थी मतलब दस महीने का किराया मिला था यानी एट्टी थाउजेंड रुपीज मिल गया था फिर आप लिखोगे वेकेंसी रेंट एट थाउजेंड रुपीज इंटू टू सिक्सटीन थाउजेंड टोटल कितना आएगा टोटल आ गया नाइन्टी सिक्स थाउजेंड टोटल आ गया नाइनटी सिक्स थाउजेंड एक्सपेक्टेड रेंट कितना है एक्सपेक्टेड रेंट हमने यहां पर कैलकुलेट किया दैट इज एटी वन थाउजेंड एक्सपेक्टेड रेंट आया आपका एटी वन थाउजेंड फिर आप लिखोगे सिंस एक्चुअल रेंट प्लस वेकेंसी रेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेंट ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज इक्वल टू वॉट एक्चुअल रेंट क्योंकि मन में चोरी तो है ही नहीं क्योंकि आपका वेकेंसी मिलाकर नाइन्टी सिक्स थाउजेंड आ रहा है और एक्सपेक्टेड रेंट एटी वन थाउजेंड आ रहा है क्या मन में चोरी है नहीं तो क्या हमें इसकी मदद करनी चाहिए हाँ मदद कैसे करेंगे हम कहेंगे चलो जितना तुम्हें रेंट मिला उतनी ही तुम्हारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू देखो ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज इक्वल टू एंड रुपीज ठीक है देखो ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज इक्वल टू एटी थाउजेंड रुपीज क्योंकि हम लोगों ने इसका इसकी मदद की क्यों मदद की क्योंकि इसके मन में चोरी थी नहीं तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपकी एटी एनुअल वैल्यू एटी पॉइंट सबको समझ में आ रहा है।, है इसके मन में चोरी नहीं थी एंड तो रुपीज आ गई उसके बाद अब आपको करना है मिस्टर एक्स ओनर है मान लो टेनेंट ने पे किया होता तो म्यूनिसपल टैक्सेस पेड का कोई रिडक्शन नहीं मिलता तो ऑफ द म्यूनिपल वैल्यू फिफ्टीन परसेंट ऑफ दुनिसिपल वैल्यू ठीक है म्यूनिसपल वैल्यू है कितनी वैल्यू इसका, इसका आता सेवन थाउजेंड फाइव 14,625. यह म्यूनिसपल वैल्यू गलत लिखी है क्या वन लाख नाइन थाउजेंड डिवाइडेड बाई टू ये थाउजेंड है ये नाइन्टी फाइव थाउजेंड है ठीक है दिस इज नाइन्टी फाइव थाउजेंड नाइन्टी फाइव थाउजेंड का फिफ्टीन परसेंट कितना है फोर्टीन टू फिफ्टी अच्छा ग्रॉस एनुअल वैल्यू तो आपकी एटी थाउजेंड आ गई फोर्टीन टू फिफ्टी माइनस किया आपने एटी थाउजेंड माइनस फोर्टीन टू फिफ्टी कितना हो गया सिक्सटी फाइव सेवन फिफ्टी सिक्सटी फाइव सेवन

1,500 पर मंथ 1,500 थाउजेंड फाइव ट्वेल्व साल भर का इंटरेस्ट ऑन लोन आया अठारह नौ हजार हम ओल्ड स्कीम कर रहे हैं तो यहां पर नाइन थाउजेंड रुपीज का लॉस आ जाएगा और यहां कितने की 65, 750, 19, 7, 25, 9, कितना आता है थर्टी सेवन जीरो ट्वेंटी 537025 थर्टी आ जाता है और उसके बाद यहां पर आप लिखोगे नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी आई थर्टी सेवन जीरो ट्वेंटी फाइव माइनस नाइन थाउजेंड रुपीज कितना हुआ ट्वेंटी एट जीरो ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी एट जीरो ट्वेंटी जीरो क्या ये बात आप सबक समझ में आ गई बोलो ठीक है मिंकल कह रहा है जीएवी में लिखना था एआर में लिख दिया एआर में भी लिखना था जीएवी में भी लिखना था दोनों जगह लिखना था ना एक्चुअल रेंट तो आपको मिला भी 80,000 का ना एक्चुअल रेंट आपको 80,000 का ही तो मिला तो दोनों में लिखना था एक्चुअल रेंट में तो आपको लिखना ही लिखना है और ग्रॉस एनुअल वैल्यू में भी आपको लिखना है धीरे धीरे-धीरे बढ़ रहा है। nice, धानश्री। तो फटाफट से आप लोग सब्सक्रिप्शन ले लीजिए बिकॉज टुडे इज द लास्ट डे जब यूट्यूब पर क्लास हो रही है ठीक है टेंथ यानी कल हम लोगों ने बात की थी कि दस तारीख तक आपके सारी क्लासेस YouTube पर भी देते रहेंगे तो टुडे इज लास्ट डे कल संडे कल मेरी कोई क्लास होगी नहीं ठीक है तो टुडे टूडे लास्ट डे जब यूट्यूब पर ये क्लास आ रही है एंड डिस्काउंट 50 परसेंट वाला तो अभी तीन बचे कि आप लोग उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो एंड तो दोपहर को आप पे वॉइस वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी आई कैन प्रॉमिस यू आई गारंटी यू दिस नहीं कल मेरी क्लास नहीं है पोएट्रीव श्री ठीक है हाँ सर की मेरी नहीं है ठीक है मेरी नहीं है ठीक है तो कल मेरी क्लास नहीं है तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि यूट्यूब पर आज चलने के लिए लास्ट क्लास है और इसलिए आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो एकाग्रता ऐप पर एकाग्रता की वेबसाइट पर आकर आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हो ठीक है थैंक यू सो मच अबेल कह रहे हैं परसों से आएंगे एकाग्रता पर हम भी हाँ जी ठीक है तो थैंक यू सो मच एवरी टेक केयर बाय